नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले माधोपुर बाबा नगरी का क्षेत्र होने के कारण यहां बाबा की महिमा अपरंपार है। देवघर में जहां कामना लिंग विराजमान है, रावणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना होती है। कई किलोमीटर से दूर से लोग आकर के बाबा की पूजा करते हैं। वहीं मधुपुर के भी विभिन्न शिवालयों में गांव, ग्रामीण, शहर, विभिन्न मोहल्लों के लोग शिवालयों में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बताते चलें कि पंचमंदिर रोड स्थित जो शिवालय है वहां पर मैं सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि लोग कतारबद्ध होकर बाबा भोले पर जलार्पण किए। इसके साथ ही अमर कैलाश त्रिपुर धाम स्थित शिवालय में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं वाहेगुरु शिव मंदिर, साथ ही बाबा दुबे शिव मंदिर व ठाकुरबाड़ी स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु सुबह से शाम तक जुटे रहे। वहीं शहर के और विभिन्न इलाकों में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना लोगों ने सुबह से शाम तक की, खासकर महिलाओं की भीड़ काफ़ी देखी गई। मधुपुर के विभिन्न शिवालयों में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी थी। खासकर बड़ी संख्या में महिलाएं बाबा का जलाभिषेक करने सुबह से ही लंबी कतार में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। प्रशासन द्वारा भी सभी को कतारबद्ध पूजा अर्चना कराने की व्यवस्था की गई। मधुपुर बाबा नगरी का क्षेत्र होने के कारण आज के दिन बाबा के विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यही वजह है कि यहां शंकर भगवान पर आज के दिन सिंदूर चढ़ाने की अति प्राचीन परंपरा है। कामना लिंग के इस खास महत्व के कारण आज के दिन यहां श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है। इस बार भी महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा मंदिर में लाखों की भीड़ जुटी। प्रशासन द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। खासकर महिलाओं के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है। मधुपुर के गिरीश मंदिर से बाबा का भव्य बारात निकाला गया, जिसमें झांकी में देव, दानव, गंधर्व, भूत, पेताल, पिशाच, नंदी समेत हजारों की संख्या में मधुपुरवासी बारात में गुण गाए जा।